वजह से एड्रेस तो है ना पता कि ये A4 एड्रेस होता है, जिस कर्सर पर रखते हैं ये एड्रेस होता है। और एड्रेस बनाते कैसे हैं, अगर मान लो एड्रेस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो एक एक्सेल का में फार्मूला होता है एड्रेस, ये है रो और कॉलम। अगर मैंने रो दे दिया 4 और कॉलम दे दिया 3, तो ये क्या बनेगा? बताओ, तुम बताओ, रो 4 है और कॉलम 3 है। अरे पहले कॉलम रो है फिर कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 का मतलब, तो फिर तुम हिंदी कैसे बोल रहे हो? लिखा हुआ है ना, देखो क्या है ना। तो जब हम एड्रेस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर 4 तो अगर मैंने एड्रेस देके यूं दे दिया बन गया, और अगर इसी में एब्सोल्यूट दे दिया 1 तो दोनों फ्रीज होगा, और अगर दिया 2 तो रो फ्री होगा, फ्रीज और कॉलम फ्री रहेगा, और दिया 3 ऐसे हो जाएगा, और हमने दिया 4 तो दोनों फ्री रहेगा। बाय डिफॉल्ट होता है 1, अगर आप 1 टाइप करोगे हाँ, अगर 1, 2, 3 नहीं टाइप करोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट रो कॉलम फ्री लगा। ये हम एड्रेस बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें एक होता है R1 सीवल स्टाइल, अगर यहाँ पे कर दिया तो ये आ जाएगा, ये है ना रो, रो और सी कॉलम, ठीक है। और अगर हमने 1 दिया तो हमारा ऐसे वाला चलेगा। इसके अलावा इसमें एक आता है सीट नेम, है ना, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया डाटा और यहाँ पे लिख दिया डाटा, तो ये उस सीट को रिप्रेजेंट करेगा, किसको? डाटा सी में जो C4 है। जैसे हम किसी और सीट के, जैसे हम यहाँ पे इजकल टू यहाँ कर देंगे तो आउटपुट इसमें कितना आएगा? 4 आएगा, क्लियर। और अगर यहाँ करके ये करेंगे तो 15 आएगा। तो जब दूसरे सीट से हम लेते हैं डाटा, तो दूसरे सीट का नाम और ये एक्सक्लामेशन का साइन और ये एड्रेस, लेकिन अगर ये सीट के नाम में अगर माई डाटा होगा ऐसे, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा इजकल टू माई डाटा, इसको बंद करोगे फिर एक्सक्लामेशन A1। अगर सीट का नाम में स्पेस है तो आपको ये कोड सिंगल कोड लगाना पड़ेगा तब डाटा आएगा, अगर इसको हटा दोगे तो वो रीड नहीं करेगा। और अगर माय डाटा से स्पेस तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, ये तब है जब स्पेस है, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरे सीट का डाटा यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ, ठीक है। एक होता है कॉलम, कॉलम फंक्शन क्या होता है, जिस सेल में कर्सर रहता है उस सेल का कॉलम बताएगा। एक होता है रो, जिस सेल में कर्सर रहेगा उस सेल का रो बताएगा। लेकिन अगर मैंने सेल करके सॉरी
कॉलम करके इसको लिया तो अब क्या बताएगा? हाँ, दिखाएगा सेम उसी तरह से। अगर मैंने रो इसका लिया तो ठीक है, रो कॉलम हो गया क्लियर। एक होता है हाइपरलिंक, एक तो हाइपरलिंक हम लोग उस दिन कैसे था वो हम लोग ने उस दिन एक बनाए थे हाइपरलिंक, ऐसे वाला बनाए थे ना। और अगर सेल का हाइपरलिंक है, यहाँ भी अगर हाइपरलिंक अगर बनाना है तो जैसे हमें डाटा वाला सीट पर जाना है तो यहाँ पे लिख दोगे डाटा, यहाँ पे डाटा टू है ना, यहाँ पे ले लिया 560, ठीक है। इस पे एप 28 है और यहाँ पे ले लिया, सॉरी यहाँ पे ले लिया 12 28। अब मैंने यहाँ पे दिया डाटा और यहाँ पे लिया A1 इजिकल टू ए एंड एक्सक्लामेशन ए और ये, सॉरी ये तो हो गया एड्रेस के लिए। अगर हमें किसी फाइल पर जाना हो, जैसे अगर हमारे पास डी कॉलम का मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया D कॉलम/567, ठीक है। और यहाँ पे अगर D कॉलम में 567 में अगर जाता हूँ तो ये सारे फाइल है ना ABCD, यहाँ पे दिया मैंने A, और अगर मैंने ये और .xls दे दिया क्या हो गया, ये कि ये उसका पाथ बन गया। और यहाँ पे लिखेंगे हाइपरलिंक और यहाँ पे लिखेंगे क्लिक हियर टू, अगर आप इतना ही लिखते हो तब तो ये पाथ होगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा ना वो फाइल खुल गया ए, और अगर इसी में कुछ देना है यहाँ पे तो लिख दो क्लिक हियर टू ओपन फाइल। अगर यहाँ ए दूंगा तो ए खुलेगा, अब मैंने दे दिया बी, अब कौन सा फाइल खुलेगा? आप यहाँ पे फोल्डर को भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो जो है ना 567। क्लियर हाइपरलिंक का आइडिया मिला कि यहाँ हम जोड़ देंगे, जो लिंक डाल देंगे वो फाइल जो भी होगा वो खुल जाएगा, फोल्डर भी हम खोल सकते हैं। अगर मान लो हम 10-20 फोल्डर पर काम कर रहे हैं और हमें खोलना पड़ता है कंटिन्यू, तो एक एक्सेल में वो सारे बना देंगे, जब इसका काम एक्सेल खोलेंगे यहाँ क्लिक करेंगे वो फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। इसमें एक फंक्शन होता है इंडेक्स, इंडेक्स से पहले इनडायरेक्ट समझो, इनडायरेक्ट। अब मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलोगे मी मोदी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम गुजरात बोलोगे मोदी,
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी प्राइम मिनिस्टर हु मेड इन 2014, फिर बोलोगे मोदी, तो मतलब ये सबका आंसर क्या है? मोदी है, लेकिन हम इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ होता है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे लिखा A5, ठीक है, और A5 यहाँ पे मैंने लिख दिया A50 पर लिख दिया 512, और मैंने यहाँ पे लिख दिया A50, और मैंने लिखा यहाँ पे इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली ए फिफ्टी थ्री पे जा रहा है, वहाँ उसको मिल रहा है A50, तो वो A50 सेल का वैल्यू को पिक करेगा। अभी जो ऊपर एड्रेस बनाने वाला बताया था, ये याद है ना, अब मैंने यहाँ पे दे दिया A और यहाँ पे दे दिया 50, मैंने इसको और इसको जोड़ दिया, ये 50 हो गया, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इसको लिख दिया, तो वो एड्रेस एक्सेल में, वो एड्रेस जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या किसी कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और वहाँ पे अगर उसका उस सेल का वैल्यू कॉल करना है तो हमें इनडायरेक्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक फंक्शन होता है मैच, ठीक है, हैं डायरेक्ट नहीं है यार, नहीं नहीं मैं यही मैच वगैरह ही स्टार्ट करता, लेकिन इंडेक्स था, हाँ तो इंडेक्स भी आएगा, चलो पहले इंडेक्स ही बता देता हूँ, ए है, बी है, सी है, डी है। इंडेक्स को ये सारे इंडेक्स मैच वगैरह ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो कभी कभी अपने आप में अकेले पूछने होता है, वैल्यू पिक करता है, लेकिन इसका यूज जब एक बार जाओगे ना सीख, तो किसी भी डाटा को कैसा भी डाटा हो तुम सॉल्व कर सकते हो, ये सब डाटा सॉल्व करने में ही होता है, यूज होता है। अब इंडेक्स, हम लोग बुक में इंडेक्स पढ़ते हैं ना, बुक में होता है इंडेक्स कि 5 पेज पर ये है, 6 पेज पर है, तो वही तरह से एक वही इंडेक्स होता है। इसको हम 3 ढंग से लेते हैं, एक तो आई की तरफ यूं, और एक यूं, और एक यूं, एल वाला। अब मैं पहला आई से वाला बता देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स और मैंने इसको ले लिया, और अगर यहाँ मैंने दिया 3, तो आउटपुट क्या आएगा? सी आएगा। क्लियर है ये? और अगर मैंने इंडेक्स लिया इसको और कोमा दिया 2, अब क्या आएगा? 8 आएगा। तो ऐसे वाला और ऐसे वाला समझ में आ गए, लेकिन बाकी जो रेफ्ट लाइट मिड वगैरह जो सीखे वो तो सीखे ही, लेकिन उस सबसे जबरदस्त फार्मूला ये होता है, इस सब में तो बहुत सारे लोग को तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब जो इसको एक बार मेरा पार कर लिया एक बार, तो फिर इसको डाटा को होता है ना मैनिपुलेट करने में,
आसान बहुत होता है, जैसे मर्जी हो डाटा कर सकते हो एच बाय ओरेकल। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स और मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, पहला वाला यूँ था, सेकंड वाला यूँ था, अब एल शेप में अगर मैंने ये डाटा लिया और कॉमा दो दिया, दो है रो नंबर और कॉमा तीन, तब एक क्या आउटपुट आएगा संदीप, समझ में नहीं आएगा तो पूछना, क्योंकि इसमें हाँ हाँ करने से काम नहीं चलेगा, मैं किसी और ढंग से बताऊंगा। हैं देखो, जब बच्चा यहाँ रहता है ना खड़ा, तो कहता है तीन कदम आगे चलो फिर दो कदम, बस वही चीज़ है यहाँ पे। B74 से स्टार्ट करेगा, पहले है रो दो, दो नीचे रो तो ए बी आएगा, और उसके बाद तीन इधर, तो एक दो तीन 64। हो गया क्लियर, तो ये तो हो गया इंडेक्स। और क्या बताए, अब बोले थे मैच, मैच में हल्का सा बता रहा हूँ, कुछ इसका और पार्ट अगले दिन बताऊंगा। मैच क्या करता है कि एक सीरीज में होता है जो डाटा, उसमें से पोजीशन बताता है कि ये कौन से पोजीशन पर है, लेकिन अगर उसमें 20 डाटा है या 4 है या 5 है, 2 या से 10, 2 से ज़्यादा है, तो वो पहला को ही काउंट करेगा, पहला को ही यूज करेगा, बाकी पर फिर नहीं जाएगा। अब मैंने मैच किया लुकअप वैल्यू, किसको सर्च करा, मैंने सी को सर्च करो इसमें कोमा जीरो एग्जैक्ट मैच, जो बोले ना कि बाद में बताऊंगा, तो लेस देन और ग्रेटर देन बाद में बताऊंगा, जीरो तो ये आउटपुट देगा तीन, मतलब ये कह रहा है कि इसमें ये तीसरे पोजीशन पर है। क्लियर, या तो ये ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब मुझे मान लो 64 को सर्च करना है, तो मैं लिखूंगा मैच इसको और इसमें और कोमा जीरो एग्जैक्ट मैच करने के लिए, एन ए क्यों उसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने 64 लिख दिया, एक दो तीन चार पाँच, हो गया मैच इंडेक्स क्लियर हो गया। अब मैं एक बना रहा हूँ डाटा, हैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे तुम्हारा जो अमित था ना फर्स्ट बार में, वो भी मैच इंडेक्स में भाग गया था, कह रहा था कि समझ ही ना आ रहा, लेकिन बहुत बंदे ऐसे थे जो चमके किए। अब भाग के कहाँ जाओगे यार, कहीं ना कहीं तो मुकाबला होगा ही, मतलब कहीं ना कहीं तो फंसोगे ही, कहने का मतलब है तो ये एक बार सीख लो। अब ये कुछ बंदे का नाम है, ठीक है, इस टेबल पर, इस डाटा पर हमारा सम इफ काउंट नहीं करेगा, काउंट इफ काम नहीं करेगा, हमारा पाइवट टेबल काम नहीं करेगा, पाइवट टेबल इस पर नहीं बनेगा। अगर मैं कहूँ कि किसी बंदे का 4 जून से लेकर 10 जून तक का सेल निकाल दो, मान लो ये है कुमार का 4 जून से सेल यहाँ से लेकर है ना 50, अगर ये अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे कुमार और यहाँ पे 4 जून 19 और यहाँ पे 10 जून 19, तो यहाँ पे हमें आंसर चाहिए 50।
कैसे निकालोगे अगर जो अब तक आपने पढ़ा हुआ है उसके बेस पर सोच कर देखो तो लेकिन अब जैसे यहाँ पे है ना कुमार, अगर हमें कोई बता दे E4 और 10 जून आ रहा है K4, अगर हमें कोई ऐसे बता दे E4 और K4, जैसे कुमार के E4 यहाँ से स्टार्ट होगा और K4 में ख़त्म होगा, तो अगर मुझे E4 A4 बता दे तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको मैं जोड़ दूँगा, ऐसे हो जाएगा और इसमें लगा दूँगा सम, लेकिन सम नहीं काम करेगा क्योंकि मैंने बताया कि जो एड्रेस टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या किसी और के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं तो हमें उसके पीछे इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा तो वो वैल्यू पैक कर लेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे इनडायरेक्ट, अभी आ गया 50, क्लियर। तो हमने जो E4 और K4 ये जो चाहिए इसको हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए कैसे होगा, मैंने कहा मैच, इस कुमार को मैच करो इसमें और कोमा 0 और इसको फिक्स कर दो, क्लियर। मैंने कुमार कहाँ है इसमें चौथे पोजीशन पर है, तो एक कुमार के जो कैलकुलेट किया ना इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं ये 4 जून है ना इसको देखता हूँ कि ये इसमें कहाँ पर है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैच
4 जून को लूंगा और यहाँ पे कर दूंगा 0। और चूंकि यहाँ पे कुछ ना हो, गड़बड़ तो फिक्स कर ही दो, बाद में कुछ हो जाए ना हो, ठीक है। यह है पांचवें पर, और फिर मैच इसको इसी में करूँगा, या फिर इसको यहाँ पर भी खींच देंगे तो भी आ जाएगा। ये देखो सब है ना, क्लियर। अब मैं पहला एड्रेस बनाऊँगा E4। तो E4 के लिए हमें यहाँ से चौथे पर ये है और ये पांचवें पर ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस। पहले चाहिए रो, रो के लिए हम किसको लेंगे, इसको, और कॉलम के लिए हो गया E4। फिर एक एड्रेस बनाएंगे रो के लिए इसको, और कॉलम के लिए इसको, हो गया। अब ये एड्रेस ऐसे होता है ना, और एंड परसेंट ये, जब हम कोई एड्रेस सिलेक्शन करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना समिफ, तो ऐसे आता है ना F1 कॉलम F3, तो जो चाहिए वो हमारा ये बन गया। अब इसके पीछे लगाएंगे सम ये, लेकिन ये सम ऐसे काम नहीं करेगा, इसके पीछे लगेंगे इनडायरेक्ट। अगर 50, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास, और यहाँ पे लिखता हूँ 1 जून से 19, और यहाँ पे देता हूँ 4 जून, अरे 38। अब यहाँ पे जाऊँगा विकास में 1 जून से लेकर 4 जून तक, 30 आ गए। इसमें मैच का प्रयोग समझ गए, हमने पोजीशन बताया, पोजीशन निकालेंगे, किसकी पोजीशन कहां से निकाल रहे हैं वो पोजीशन, हां इनडायरेक्ट से उनको मर्ज कर देंगे। इनडायरेक्ट जब हमने एड्रेस बना लिया, तो वो एड्रेस हमने जो किसी और चीज से जोड़ जो जोड़ जाड़ के बनाया है, तो वो एड्रेस डायरेक्ट वहां पे सम या काउंट इफ उस पर काम नहीं करेगा, तो उससे पहले उसको एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस तो बना लिया, इनडायरेक्ट लेंगे। अब इसको अब देखो जहाँ जहाँ से आया है वहाँ से जोड़ो, ये यह यहाँ से आया है ना, यह है C16, तो C16 में यहाँ पे दूंगा, है इनडायरेक्ट हो गया, एड्रेस हो गया और मैच हो गया। हाँ अब यहाँ पे आया, अब इसको उठा के यह है B15 में डाला, और यह है ये क्या है B14, इसको कॉपी किया और यहाँ पे डाला, फिर है C12। ये देखना फॉर्मूला बहुत बड़ा बन जाएगा, C12 C11 ये तो रहेगा ही, और ये है A12। अब हम इसको 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 हटा सकते हैं ना। अब देखो ये फॉर्मूला है, तो बड़ा फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। हो गया कि क्लियर है, सम का क्या काम है, सॉरी सम के नहीं, सॉरी इनडायरेक्ट क्या करता है, और इनडायरेक्ट क्या करता है, और मैच क्या करता है, मैच तो पोजीशन काउंट करता है, पोजीशन बताता है, हाँ इनडायरेक्ट क्या करता है, उस पोजीशन को बनाता है, मतलब इनडायरेक्ट क्या करता है, जो एड्रेस टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या हम जो एड्रेस बनाते हैं उसको वो
एड्रेस में कन्वर्ट करता। इंडेक्स में वैल्यू पिक करना है, वैल्यू पिक करना। हम जो हमने बताया ना तीन टाइप, एड्रेस तो बनाता है। एड एड्रेस के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, रो और कॉलम। नहीं अभी बताया, उस टाइम बताया था ना, पहले बताया था ना इंडेक्स। अरे इंडेक्स नहीं बताया था यहाँ पे, अगर ये ए बी सी डी है, अगर इसमें बी का पोजीशन फाइंड करना है कि कौन से पोजीशन पर, तो हम लिखेंगे ना इंडेक्स बी, सॉरी वो नहीं था, इंडेक्स ये था ये, और इसमें से अगर मैंने दे दिया ना दो, तो क्या आएगा, बी आएगा। लेकिन अगर ये बी कौन से पोजीशन पर है तो उसके लिए मैच लगेगा। तो हम बी बी करेंगे इसको और कॉमा जीरो। इंडेक्स यूज करेंगे, हो गया यहाँ पे क्लियर संदीप? एक होता है ऑफसेट, ऑफसेट का भी छोटा सा देख लो। जैसे ऑफसेट क्या करता है, ये इंडेक्स वन से चलता है, ऑफसेट शून्य से चलेगा। यह ना हमारा डाटा, मैंने कहा ऑफसेट इससे रो दो, तो कर्सर कहां पे जाएगा, D7 से स्टार्ट करना है, मैंने दिया दो, तभी कर्सर कहां पे जाएगा, दीप पर। रो है तो भाई रो तो नीचे जाएगा यार, दीप पर आएगा। लेकिन मैंने बोला ऑफसेट जीरो से चलता है, जीरो से चलता है, जीरो से शून्य से। जोशी पे आएगा और यहाँ पे देंगे कोमा जीरो, अगर मैं दूंगा दूंगा ऑफसेट ये कोमा जीरो कोमा जीरो, क्या आएगा आउटपुट, और ऑफसेट ये कॉमा दो कॉमा वन, संदीप क्या आएगा, भाई D7 से स्टार्ट हुआ दो चला, तो नेम जीरो दीप वन और टू जोशी, जोशी
जोसेफ आ गया, और उसके बाद एक कॉलम भी तो चलेगा। क्योंकि उसमें मैंने कॉलम नहीं मूव नहीं हुआ ना, उसका रो है सॉरी कॉलम है जीरो, तो उसी पर रह गया ना। अगर मैं दूं ऑफसेट इसको कोमा जीरो कोमा माइनस वन, तो अब क्या आएगा? ठीक है, और दस और ऑफसेट इस पे और कोमा माइनस वन कोमा माइनस वन, ये दस दस है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है यार। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक माइनस इधर गया और एक माइनस इधर गया। क्लियर हो गया। अब ऑफसेट में एक चीज और है, हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ है ना, तो हाइट बोलेंगे इसको और विड्थ बोलेंगे इसको। तो मैंने कहा ऑफसेट इससे शुरू कर और दो नीचे जाओ और एक इधर आओ और यहाँ पर दो कोमा तीन। कुमार पे गए, चार पर प्रेस कर जाने के बाद वो शिफ्ट दबाएगा, चार पर जाने के बाद वो शिफ्ट दबाएगा। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ सिलेक्शन करते हैं ऐसे, तो शिफ्ट प्रेस करके करते हैं ना। तो हमने क्या लिखा है, कहाँ पे था वो, हटा दिया उसको। तो मैंने कहा ऑफसेट इसको सम अगर लिखेंगे तो सम कर देगा, दो और कोमा वन कोमा दो कोमा तीन। अरे तो रुको सही, पहले ऑफसेट यहाँ से स्टार्ट किया, जीरो वन टू यहाँ आया, फिर एक यहाँ आया, यहाँ पे शिफ्ट दबाया और मैं उसके बाद हाइट है ना, तो दो ऐसे आएगा और तीन, तो यहाँ पे हुआ सिलेक्शन। इतना बहत्तर बहत्तर दिखा रहा, हो गया क्लियर ऑफसेट का? ऑफसेट का तो बहुत होता, अच्छा अच्छा हिल जाता है इसमें ऑफसेट में। अब बता रहा हूँ हमारा पास पाइवट टेबल का था ना, सब में इतना ही डाटा चल रहा है। अब जैसे ये है डाटा, क्लियर?
ये हमारा डाटा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका मैंने पाइवट मान लो यहाँ पे जाके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे रोज जोड़ूँ ना, जब मैं रोज जोड़ूँ तो वो अपने आप बन जाए, और मैं यहाँ पे कॉलम यहाँ पे नीचे डाटा जोड़ूँ तो अपने आप जुड़ जाए। अभी क्या है, अगर मैंने इस डाटा को कॉपी करके यहाँ पे डाला, यहाँ पे अगर डाला तो इसमें केस में हम यहाँ पे जाके ये रेंज बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने आप घटाने में तो हो सकता है कुछ, अगर हटा दोगे तो थोड़ी देर के लिए वो ले लेगा, लेकिन बढ़ने में नहीं लेगा। टेबल से तो होता है, लेकिन टेबल जगह भी लेता है ज़्यादा, वो तो टेबल तो एक बार बना दोगे बन जाएगा, लेकिन फिर फार्मूला कैसे सीखोगे। तो हम इसमें जो पाइवट टेबल में हम तो इस रेंज से लेते हैं ना, पाइवट टेबल हम नाम डिफाइन से भी डाटा बना सकते हैं। जैसे इसको मैंने गया और नाम डिफाइन याद है बताए थे सो, यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया डाटा डीटी है, क्लिक कर दिया ओके, और अभी मैंने यहाँ पे पाइवट जाके बना दिया पाइवट, और जो यहाँ पे जो सोर्स है ना अभी तो उसको लिया ना, लेकिन यहाँ पे जाके गलत हो गया। मैं यहीं पे जाके यहाँ पे है ना खाली, यहाँ पे इंसर्ट में गया और पाइवट टेबल में गया, कुछ नहीं ना डाटा, यहाँ पे जाके F3 कर देंगे, आ गया। आगे डाटा कहाँ से आया, नाम डिफाइन में मैंने इसको डाटा डाल दिया। अब अगर यहाँ से डाटा इधर बढ़ेगा तो क्या वहाँ चेंज होगा, अगर मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया क्या ये चीज वहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जो डाटा जो हमने बना रखा है ये डाटा कहाँ से है, ये वन से D29, तो ये कौन से सीट पर है, इस सीट पर है D8 पर ना, तो E1 से लेकर E29 तक है, यहीं तक है, तो सॉरी E28 तक है, D29 तक है, तो इसको कैसे लेगा वो, तो हमें इसके लिए हम इसी बंद है, तो यहाँ पर भी है ना Alt EB, तो हमें डाटा वाला जो रेंज है यहाँ एडिट करके इस रेंज को आगे बढ़ाएंगे तो वो डाटा में आ जाएगा, तो डाटा वहाँ ले लेगा, लेकिन ये तो मैनुअल ना हो गया बिगड़ हो, तो हमने जो नाम डिफाइन जो बनाया है उसी को डायनेमिक बनाएंगे, नाम डिफाइन को डायनेमिक बनाएंगे कि डाटा जब चेंज हो ना तो अपने आप वो अपने आप डाटा बढ़े तो इधर ले ले इधर से ले ले, ठीक है। तब जब ये डाटा की जो इसको हम जो नाम डिफाइन में जब बनाएंगे तो डाटा जो बढ़ता है तो क्या होता है, या तो इधर बढ़ेगा या नीचे होगा ना, तो A1 तो रहेगा और यहाँ पे देंगे ऑफसेट A1 से रो कॉलम तो हाइट भी चाहिए,
अब मैंने यहाँ पे लगा दिया काउंट ए, इस पे 29 आ गया, और यहाँ पे काउंट ए लगा दिया इस पे, हो गया। इसको अपना फ्रीज करके छोड़ दो। क्लियर। और यहाँ पे दो ऑफसेट, ये कोमा ए और कोमा ये, इस पे बनेगा कि नहीं आनेगा ये चाहिए किसको, कुछ और चाहिए है? चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं पहले, और इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, और इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। अब ये इतना बन गया, अब इसको कंट्रोल सी करेंगे, तो H1 को हमें करना पड़ेगा A1, और A1 को भी फ्रीज कर दो। अब यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे गया और न्यू करके एक बना लो, मैंने उस पर ओवरहेड नेट कर रहा हूँ, चेक करने के लिए बना रहा हूँ, DAQ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके एक बनाता हूँ पाइवट, और यहाँ पे जाके F3 कर लेता हूँ DAQ, और इसको एग्जिस्टिंग सीट पर ही मैं यहाँ फिलहाल डाल देता हूँ। द कमेंट रिक्वायर्ड एट लीस्ट 2 रो और सोर्स। लेकिन रहा है इसको आ तो गया, ये इससे नहीं होगा, इसको और चाहिए तो कैसे होगा ये? A1 तो रहेगा, हमने दिया काउंटा इसका और काउंटा इसका, और ऑफसेट A1 से, ऑफसेट A1 से रो कॉलम नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। और ये ठीक है, हम यहीं रहेगा रॉ कॉलम से, यहाँ पे हाइट विथ दोनों होगा ना। अब इसको बनाए ना, इसको कॉपी किया, नेम डिफाइन में गया और एक अलग बनाया डाटा न्यू। क्लियर, डाटा न्यू बनाया। अभी ये है हमारा डाटा, हम यहाँ पे गए और मैंने F3 किया, डाटा न्यू लिया, और इसको दिखने के लिए हम एग्जिस्टिंग सीट पर ही रख लेते हैं जो हमें दिखता रहे। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, किया है टेबल, यू मस्ट यूज डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए लिस्ट ऑफ टेबल डॉक्यूमेंट, यू आर चेंजिंग द नेम ऑफ पाइवट टेबल फील्ड, यू मस्ट न्यू नेम ऑफ द फील्ड। ये डाटा इतना क्यों आ रहा है?
इतना क्यों जा रहा है? ओके ओके, अब देखो यहाँ इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे माइनस वन करेंगे और यहाँ पर भी माइनस वन करेंगे, तभी तो ये 28 रहेगा और यहाँ पे 4 तक ही रहेगा। हुआ क्लियर भाई? ये आगे भाग 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 रहा है ना, पूरा काउंटर रहा है। तो जो इसमें तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। अब इसको लेके क्लियर हुआ मैं क्या कर रहा हूँ? पाइवट डाटा न्यू एग्जिस्टिंग सीट पर ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आगे डाटा अब यहाँ पे मैंने दे दिया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसका काउंट, इस सब को तो काउंट, इस सब को ना कट करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ देखने के लिए अपना जब देखना चाहे। अब हमने इसको रिफ्रेश किया, अब मैंने इसको हटा दिया, मंथ को हटा दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे जाके जब रिफ्रेश करूँगा तो ये किसको खोजेगा? किसको खोजेगा? ये डाटा न्यू को खोजेगा, क्योंकि अभी जो प्राइवेट बना हुआ है डाटा न्यू न्यूज बना हुआ है और डाटा न्यू फिर आएगा यहाँ पे। हट गया ये, हट गया। अब यहाँ से मैंने ये पूरा हटा दिया, हट गया ये है? अब मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे डाल दिया और मैं सिर्फ यहाँ जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ। आ गया क्लियर हुआ ये? लेकिन एक सेकेंड, ये 33 है और यहाँ पे 32 ही दिखा रहा है। चीन के 3 है, फ्रेड के 15 है, 3 15 और 15 फ्रेड के नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे एक कम ले रहा है, कम ले रहा है ना। तो हमने जो बनाया है इसको छोड़ देते हैं। हो गया। अब ये पाइवट का या ऑफसेट का अब कहाँ पे डॉट है अब बताओ? अभी जो मैंने बताया हूँ इसमें डॉट कहाँ वो बताओ? ऑफसेट का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वो तो क्लियर हो गया। जब हमने ऑफसेट पर यहाँ गए थे यहाँ पे, तो पालत बताया था कि जो हम यहाँ से लेकर यहाँ के जैसे 3 2 तो यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। एक तो ये था, एक था कि रो
सॉरी हाइट और विथ। तो अभी जो मैंने नाम डिफाइनमेंट किया हूँ उसमें हाइट विथ दो दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने बोला था कि हाइट विथ में क्या होता है, शिफ्ट दबा के ये पूरा सेलेक्ट करता है। तो जब हम यहाँ पे देंगे ऑफसेट यहाँ से 00, मैं क्यों रहा हूँ दे 00 इसे दे रहा हूँ कि यहीं से शिफ्ट दबाना स्टार्ट कर दे। अगर मैं 3-4 दे दिया तो डाटा निकट से जाएगा, यहीं से हो जाएगा। अब यहाँ से कितना नीचे जाएगा, तो मैंने इसको पूरा कॉन्टैक्ट किया, तो जहाँ पे फील्ड होगा है, तो जब पूरा का पूरा आ रहा है तो ये कहाँ से होगा काउंट, -1 किया तो अगर 33 तो यहीं से काउंट करेगा ना, तो -1 किया तो 29 तक ही गया ना, तो दिक्कत हो गया, जबकि उसको लास्ट तक जाना है ना, तो इसलिए माइनस उसको नहीं रहे। लेकिन इस सेट क्या हो गया कि जो रो होगा ये तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये तो जो रो हाइट है वो एक से चलेगा, ऑफसेट में 0 से चलेगा, लेकिन रो हाइट नहीं, ऑफसेट 0 से चलता है लेकिन रो हाइट एक से चलता है। तो उसने यहाँ पे आया, यहाँ पे दबाया और यहाँ से 5 ले लिया या 4 ले लिया, तो इसलिए यहाँ माइनस नहीं करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे घट रहा था। एक सेकंड, वही तो बता रहा हूँ, माइनस में से माइनस नहीं किया है, हाइट में से माइनस नहीं किया। अच्छा, वो टियर टॉप का वो भी हेडिंग भी ले लेगा। हाँ, विथ में आपने अगर कॉलम में से माइनस कर दिया, विथ में से माइनस कर दिया, हाँ, एक वैल्यू कम कर देगा उसमें। लेकिन एक सेकंड, सेल्स तो आ रहा है, लेकिन जब यहाँ से जब ये माइनस किया तो ये पाइन, तो फिर तो यहाँ भी ना माइनस होना चाहिए। तो लेकिन हमने अरे तो माइनस जो हमने किया है तो इधर का नहीं किया ना, हेडिंग में से किया ना, मैंने इसमें विथ में किया हो ना, विथ में किया हो ना, विथ में किया हो ना, तो रो में 4 तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ से उसने 3 चला, तो इसको छोड़ के चल रहा फिर 1, 2, 3 आए कैची कैचे, नहीं नहीं हेडिंग क्यों छोड़ेगा यार, हेडिंग तो रहेगा, हेडिंग से कोई मतलब ही नहीं, हेडिंग क्यों बोल रहे हो, उसको तो पूरा डाटा लेना है। रुक जाओ, यहाँ पे 34 है ना, तो ये ले लेगा, यहाँ पे हो गया 34 और यहाँ पे हमने दिया था 4-1 तो हो गया 3। 5 क्यों से कैसे आएगा, ये तो जोर रहेगा उसमें से एक माइनस होगा, वो 5 रहे या 4 रहे या 2 रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो जो फार्मूला है ये सीट अरे ये जो है साला सब क्यों लूँगा, यहाँ पे 1 ही क्यों नहीं लूँगा, यहाँ पे
भी वन और इसको मुझे फ्रीज करने दो, ठीक है। जब मैंने इसको फ्रीज किया और जब मैंने इसको पेस्ट किया, नहीं होगा, माइनस नहीं करना होगा। सही बात, माइनस नहीं करने की जरूरत नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग गलत जा रहे थे, ये जो फ्रीज ने किया ना वो आगे भाग भाग रहा था, फ्रीज ने किया था इस। अरे भाई तो यहाँ पे है ना, रुको आगे सेल्स ये तो आ जाएगा, 100% आएगा। अभी है ना चार, ठीक है यार, हो तो गया। यहाँ से शुरू करना है, रो कॉलम नहीं जमा करना है, इतना इधर आएगा और पांच इधर आएगा, पांच पांच या छह या सात जो भी रहेगा। मैंने पांच नहीं लिया हूँ, नहीं तो हाइट भी तो ले तो लिया। मैंने देखो आप यहाँ तक क्यों लोगे, जब यहाँ तक लोगे फिर तो मैनुअल हो गया ना। मैंने अगर पूरा ले लिया ए में और मैंने काउंटर लगा दिया, तो काउंटर क्या करता है, काउंटर क्या करता है, फील्ड वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ तो हेडिंग में तो मतलब इस साइड से रहेगा डाटा, तो वो इतना गया और उधर भी लगा दिया काउंटर, तो जितने हेडिंग रहेगा उतना दिखाएगा। नहीं, रेंज तो पूरा ए मैंने क्यों लिया, पूरा ए मैंने क्यों लिया, तो आप अपने आप ऐड हो और घटे तो अपने आप घटे, बस। अभी पूरी तरह से चाइना की बन गया तो ऑफसेट के, और ये जो अगला दिन भी बताऊंगा, अभी कुछ ऑफसेट का क्लियर हुआ। ये जो पाइवट टेबल बना है इसमें हमें रेंज में अब कुछ नहीं करना है, घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है, जो भी होगा अपने आप होगा। वो आपने कॉलम और विथ में रो और कॉलम क्यों डाला जीरो बताओ, देखो हमने जो ऑफसेट में किया है कि अगर मैं यहाँ से लेकर अगर कुछ क्रो कॉलम डाल दिया तो यहाँ यहाँ के शिफ्ट प्रेस करेगा, लेकिन जब मैंने ए से शुरू किया रो कॉलम जीरो दे दिया तो कर्सर यहीं पर रह गया, उसके बाद रो कॉलम का तो काम खत्म हो गया और रो बीच में फिर यहाँ से और बीच पूरा सेलेक्ट इसलिए कर लिया कि उसमें से जो फील्ड है वो नंबर आ जाए। ठीक है, तो यही एक ऑफसेट है। अब जैसे ऑफसेट का एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ पे जैन है, अब ये ऑफसेट से भी बन सकता है, किसी और से भी बन सकता है। अब बताओ मुझे इसको उल्टा करना है, जैसे यहाँ पे जैन फेब मार्च, अब यहाँ चाहिए दिसंबर नवंबर अक्टूबर, ऐसे ऑफसेट से भी हो सकता है और ऑफसेट के साथ कोई और चीज ला के भी हो सकता है। शॉर्ट से कैसे होगा, अजीब बात करते हो यार, शॉर्ट तो आप लोगों को बता तो रखा हूँ ना। अरे यार मंथ वाइज तो होगा, लेकिन इसमें उल्टा। हाँ अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ, जेनफेब हटा दूँ, अगर मैं नाम डाल दूँ तो अल्फाबेटिक भी हो सकता है, वो अल्फाबेटिक जैसे ए वाले हो, प्रॉपर ए बी वाले हो, तो इसको
अगले वाले में कैसे जाएगा यार? आप शॉट आप स्पिन करोगे मुझे अगले वाले में चाहिए, ये डाटा ऐसे रहेगा कैसे आएगा? अरे ऑफसेट उन्हें समझता नंबर तो समझता है ऑफसेट, सकता है वो भी क्यों सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ जेनफे भी रहेगा, मैं नाम भी डाल सकता हूँ, नाम भी तो डाल सकता हूँ, राम मोहन श्याम विकास वो भी कर सकता हूँ। अरे भाई तो मुझे शॉर्ट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे इसको तो चेंज नहीं करना है ना, मुझे इस पे चाहिए ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम बड़ा शॉर्ट शॉर्ट रहे हो ना, कर रहे हो ना, अब बताता हूँ। हो गया, अब बताओ, अब मुझे यहाँ पे चाहिए 155, 143, 163 और 157, अब बताओ अब कौन सा शॉर्ट काम करेगा यहाँ पे? लार्ज 1 2 3 तो यहाँ बड़ा वाला चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है हमें, इस वैल्यू को यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, यहाँ लाना, तो शॉर्ट कैसे होगा वो? ले तुमको और करता हूँ क्लियर, अब कर, अब कर, अब तो शॉर्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, अब तो कुछ भी खत्म हो। लगा लो, लगा लो, अगर आपने लार्ज लगाया तो यहाँ पे 8 8000 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा है? नहीं तो फिर तो यहाँ पे क्या आएगा? तब से क्या कहाँ घूम रहे हो यार, तब से मैं इसको क्वेश्चन में बदलता गया तो तुम्हारा क्वेश्चन वो करने के लिए, और तुम अभी तक वहीं वहीं पे घूम रहे हो। हाँ बस बस अब आया सही, मैं हिंदी में समझ में रहा था, मैं उल्टा बोल रहा था ना। हाँ अब कैसे करोगे? करोगे ट्राई? क्लियर नहीं हुआ, छोड़ो। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया रो, रो 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 निकाल लिया। अगर आप यहाँ पे ऑफसेट लगाते हो ऑफसेट, तो इसको कोमा कितना लिखोगे तो ये आएगा 12, 12 नहीं, D12 क्यों लिखेगा यार?
12 आएगा तो ऑफसेट कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिर कहाँ तक जाएगा वो है? यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 11 और यहाँ पे कोमा कर देंगे जीरो, या तो कोमा जीरो कर दो या केवल कोमा दे दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं फ्रीज कर दिया, अभी इसमें क्या देंगे, हो रहा उल्टा है। तो हमें जो नंबर चाहिए यहाँ पे 11 10 9 8 ऐसे हमें चाहिए ऐसे नंबर, क्लियर। तो अब क्या उपाय करोगे कि हमें ऐसे नंबर आएंगे, तो यहाँ पे रो का लिखो फॉर्मूला, रो आ गया। अब यहाँ कितना आया, एक, और यहाँ पे कितना है, 11। तो इसमें क्या करोगे कि 11 आ जाएगा, अगर आपने इसको प्लस 10 कर दिया तो हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो इसको यहाँ पे करो 12 माइनस ये, हो गया। अब लगाएंगे यहाँ ऑफसेट ये, इसको फ्रीज कर दो और इसको ले लो और कोमा जीरो कर दो और इसको कॉपी करके हो गया, खिलिए। अगर इसको काउंट काउंटा से बनाना है, इसको यहाँ पे रखो और यहाँ पे लो काउंटा, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक करो, नीचे वाले को फ्रीज करो, इसको नीचे वाले को फ्रीज करो, ऊपर वाला खाली छोड़ दो, क्योंकि जब यहाँ आएगा तो ये दोनों का काउंट करेगा, यहाँ करेगा यहाँ करेगा, और इसमें कर दो -1। आ गया, या फिर इसको अब इस पे भी ऑफसेट लग सकता है, या फिर अगर काउंटर यहाँ करना है तो यहाँ पे कर दो इंडेक्स, इसको ले लो इंडेक्स का, ये याद है ना, आई वाला जो है, तो हमें ये पोजीशन हमने ऐसे काउंटर से भी बना लिया। इसको हमने एक को फ्रीज नहीं किया हो, क्यों, वो क्लियर हो गया, क्योंकि ऊपर से रेंज घटता जाएगा, क्योंकि हमें वैसे नंबर की रिक्वायरमेंट है, और अगर ऊपर से 1 2 3 की अगर कभी होगा ना रिक्वायरमेंट, तो इसको करोगे काउंटा और यहाँ पे लोगे ये, और इस केस में इसको फ्रीज करोगे और इसको खाली छोड़ दोगे, तो ये नीचे आ जाएगा। तो हमें डिपेंड करता है कि हमको जज पर रिक्वायरमेंट जो भी होगा, जिसको इंडेक्स से बना दो या ऑफसेट से बना दो। हो गया क्लियर। तो इस तरह से दो चार एग्जांपल और आएंगे, उसके बाद फिर भी लुकअप में जाएंगे हम लोग। आज का समझ में आया कुछ, है तो छोटा चीज लेकिन ये बड़े बड़े डाटा को कंट्रोल करने में यही काम आता है। लेफ्ट राइट अलग है, वो तो छोटे मोटे चीज़ के लिए, लेकिन जो बड़ा डाटा होगा इसमें यही इंडेक्स ऑफसेट मैच ये सब काम करता है। तो इसको
एक बार देखना गौर से वीडियो, अगर जहाँ पे दिक्कत नहीं होगा एक बार फिर पूछना, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो इसको झेलने मैंने झेलना मत, मतलब कि आ गया तो इसको छोड़ देंगे, या इसको या तो पढ़ना है तो जम के या फिर साफ़ हो जाना जीरो, क्योंकि ये कैलकुलेशन या तो बिगाड़ देगा नहीं तो पूरा करेक्ट करेगा इसका। अब जैसे हमारा था डेट का कैलकुलेशन, डेट वाला में क्या था, हम कुछ भी थे लगाते तो कुछ ना कुछ डेट तो आ जाता था, लेकिन ये नहीं ठीक है, ये नहीं था क्लियरिटी कि ये सही है कि गलत है, लेकिन डेट तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो इसमें यही भी है, डाटा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन हमें तो पूरा करेक्ट चाहिए ना, जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे चाहिए ना। जिसको एक बार मैच इंडेक्स को, इतना टफ तो नहीं है, दो चार बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो हल्का अगला क्लास में और हो सकता है ना, अगला क्लास आए तो ऑफ हो शायद, अगर वो सैटरडे को शाम 8 बजे मेरे पास आता है तब, अगर संडे को दोपहर में आएगा तब तब तो फिर मैं पढ़ाऊँगा ही। एक कोई पेपर देने आया है कुरुक्षेत्र में तो वो आएगा, तो बंद करो, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेना इसको ठीक से, मैच इंडेक्स बहुत कम लोग इसको सीख पाते हैं, बड़ा नंबर तो इसी